हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 3 का मैथ चल रहा था ना, क्लास 3 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना? चैप्टर 3, और ये क्या है? सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना? सब्ट्रैक्शन है तो इसे हमें आज पढ़ना है। तो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको रिविज़न एक्सरसाइज। हर वीडियो में एक एक्सरसाइज आपकी होगी। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। डिवीजन एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट करना हमें, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ब्लू पेन से लिख लेता हूँ। 6 में से 5 माइनस होगा तो किससे लिखेंगे? 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। फिर 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो दोस्तों तो कितना आएगा? 3। और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3। फिर 2 में से 0 माइनस करेंगे। देखिए, किसी भी डिजिट में से अगर 0 माइनस करेंगे तो वही नंबर आपका आ जाता है, ठीक है ना? क्योंकि 0 का मतलब कुछ रहता नहीं। मतलब मैंने ऐसा बोला कि मैंने 2 रुपया आपको दिए, ठीक, और फिर 0 रुपये आपसे वापस ले लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कितना बचा? 2 ही बचा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 में से अगर किसी भी डिजिट में से कोई भी नंबर माइनस होता है, 0 माइनस होता है, तो वही नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 2। 5 में से 4 जाएगा 1। ई नंबर पे आते हैं। 6 में से 8 देखिए माइनस होगा ही नहीं। अब क्या करेंगे? अब हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो कैरी हम बगल वाले से लेंगे। तो 9 से जब इसको कैरी देगा तो यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है? और 9 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8। क्या बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है ना? क्या बचेगा? 8। अब देखिए 16 में से 8 माइनस होगा तो 8 बचेगा, और 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 बचेगा, ठीक है? 4 में से 3 माइनस होगा 1 बचेगा, और 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 में से 9 माइनस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये 4 बड़ा छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, ये हो जाएगा 14। 14 में से 9 माइनस होगा तो कितना आएगा? ठीक है, 14 में से 9 माइनस होगा तो आएगा 5, और यहाँ पे 7 में से 4 माइनस होगा तो आएगा 3। अगला है 2 माइनस 7, तो 2 में से 7 होगा ही नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 8, ये हो जाएगा 12। 12 माइनस 7 कितना होगा? 5, और 8 माइनस 5 कितना होगा? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, 35 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे आते हैं, देखिए 59 माइनस अगर 29 करेंगे तो आएगा 230। अब 30 और 20 में बड़ा कौन है? 30, तो इधर का साइन लगाएंगे। 45 माइनस 25, तो 45 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20। 20 और 50 में कौन बड़ा है? 50, तो आंसर किधर जाएगा? इधर, ठीक है। अब 68 माइनस 40, 68 माइनस 40 करेंगे तो आएगा 28। 20 और 30 में कौन बड़ा है? 30, तो इधर साइन लगेगा। 30, 100 माइनस 30 तो आएगा 70। 70 और 100 में कौन बड़ा है? 100, तो इधर का साइन लगेगा। 23 माइनस 12 अगर हम करेंगे तो आएगा 11, तो 11 और 12 में कौन बड़ा है? 12, तो इधर का साइन लगेगा। फिर 60 माइनस 60 क्या आएगा? 0, तो 0 और इधर भी 0, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर है 69 माइनस 60, तो यहाँ पे 9 आएगा, और 9 इक्वल 9, तो इधर क्या लग जाएगा? इक्वल टू का साइन लग जाएगा। 43 माइनस 1 क्या होता है? 42। 42 और 50 में कौन बड़ा है? तो 50, तो इधर का साइन लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45 में हम कितना ऐड कर दें कि 50 आ जाए, ठीक है? तो अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो 50 आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे 5 कैसे आएगा, तो आप क्या करेंगे? 50 में से 45 को माइनस कर लीजिए। देखिए 50 से 45 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 5 जाएगा 5, और 4 में से 4 जाएगा 0, ठीक। तो यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए अगर आपको यहाँ पता करना है कि यहाँ क्या आएगा, तो 50 में से 25 माइनस कर लीजिए। 50 में से 25 माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा? देखिए ये हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 10। 10 में से 5 जाएगा 5, और 4 में से 2 जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। चलिए ऐसे ही 50 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20। 50 में से 40 माइनस करेंगे तो आएगा 10, और 50 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 35, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 25 20। या क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 में 35 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक। यही काम यहाँ पे भी करेंगे। 23 में से 12 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 23 से 12 माइनस कर लीजिए। 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11। 23 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा, ये तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। 23 में से 8 जाएगा तो 8 में देखिए 18 है, 23 में से 18 माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, ठीक है। अब देखिए 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 23 से 15 माइनस करेंगे जब, तो ये आएगा दोस्तों 8, ठीक है ना, क्या आएगा? 8। और 16 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो आ जाएगा कितना? 23,
तो यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपको पढ़ने में मज़ा आया तो आप लिख के बताइए कि हाँ सर वीडियो देखने में मज़ा आया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।